पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिनकी नजर में सूबे की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। हरदा ने बागेश्वर में प्रेस को संबोधित करते हुए सरकार पर कई इल्जाम लगाए हैं। हरदा की माने तो भाजपा ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण उत्तराखंड की मूल अवधारणा को कमजोर करने का ही काम किया है। हरदा ने कहा कि भाजपा का 3 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है, महंगाई चरम पर है और सहूलियतें न के बराबर है, हर आम आदमी परेशान। देखिए, इन्होंने ग्रामीण उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी जाती की, सड़कों को इन्होंने बिल्कुल अनाज छोड़ दिया है। जो सड़कें हमारे समय में बहुत शानदार स्थिति में थी, आज वो सड़कें बहुत चिंताजनक स्थिति और दूसरे भी जितने भी संचार के साधन थे, अब इन्होंने रोडवेज को ही इतना महंगा कर दिया कि लोगों के लिए आवागमन ही बड़ा कठिन काम हो जा रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए कि सारा भार अंत में आटो गरीबी के कंधों पर है।